यूं तो हरियाली तीज भारत के अनेक राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में ये त्योहार बहुत प्रसिद्ध है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाए जाने वाले इस त्योहार को हरियाली तीज कहते हैं। इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनः मिलन हुआ था। माता पार्वती ने 108वीं बार जन्म लेकर भगवान शिव को इसी दिन पति रूप में प्राप्त किया था। तभी से इस तिथि का व्रत प्रचलन में है। सुहागन महिलाएं तीज के दिन 16 श्रृंगार कर माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। माना जाता है कि पार्वती जी के कहने पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखेंगी और शिव पार्वती की पूजा करेंगी, उनके विवाह की सभी बाधाएं दूर होकर उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होगी। हरियाली तीज के महोत्सव पर पूजा के लिए माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार की सामग्री और भगवान शिव को वस्त्र अर्पित कर अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि से उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। हरियाली तीज की कथा सुनकर माँ पार्वती और भगवान शिव की आरती कर पूजा संपूर्ण करनी चाहिए। सावन मास में मथुरा वृंदावन के कई मंदिरों में पहले ही दिन से श्री कृष्ण को झूलों पर विराजित कर दिया जाता है। हरियाली तीज पर वृंदावन में श्री बांके बिहारी को सोने चांदी से बने विशाल हिंडोले में झुलाया जाता है। मथुरा के द्वारकाधीश की तो बात ही निराली है। यहाँ ठाकुर जी के वस्त्रों से लेकर उनके हिंडोले और मंदिर में लगे पर्दे भी उसी रंग के अनुसार होते हैं जैसी सावन मास में घटा का रंग होता है। श्रावण मास में सिंदारा देने का भी प्रचलन है। इस दिन के उपलक्ष पर भाई अपनी विवाहित बहन को सिंदारा देते हैं, जिसमें घेवर, फेनी, सेवैया, वस्त्र, 16 श्रृंगार सामग्री, फल, झूल पट्टी आदि होता है। हरियाली तीज पर बरसाने में भी श्री राधा रानी को हिंडोले पर विराजित किया जाता है और साथ में उन्हें सिंधारा अर्पित किया जाता है। हरियाली तीज पर मंदिरों का यह अद्भुत वातावरण श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आस्था की परिक्रमा में एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।